चुनाव आयोग द्वारा शनिवार को जम्मू और कश्मीर के हरियाणा और विधानसभा चुनाव की मतगणना की तारीख 4 अक्टूबर से बदलकर 8 अक्टूबर को कर दी गई है, जिसको लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, मैं चुनाव आयोग के इस फैसले के लिए धन्यवाद करना चाहूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने पत्र लिखकर चुनाव आयोग को चुनाव की तारीखों के बीच लगातार छुट्टियों के बारे में अवगत कराया, जिसमें कहीं ना कहीं चिंता भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने जताई कि इससे वोट के प्रतिशत कम ना हो जाए। इसके साथ साथ अन्य दलों ने भी इस बात पर चिंता जताई। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मोहनलाल कौशिक जी ने एक समस्या थी, उस समस्या को माननीय चुनाव आयोग के ध्यान में लगाया, एक पत्र लिख करके उन्होंने उस समस्या से अवगत कराया कि लगातार छुट्टियां हैं, 29 तारीख, 30 तारीख, 1 तारीख, 2 तारीख, और उसमें कहीं ना कहीं ये चिंता मोहनलाल कौशिक जी ने हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष ये चिंता की कि कहीं ना कहीं इसका वोटिंग के ऊपर वोट परसेंटेज कम ना हो। लोग अपना प्रोग्राम बना लेते हैं कि एक हफ्ते की छुट्टियां हैं, एक छुट्टी ले करके बाहर कहीं टूर पे चले जाते हैं और इससे हमारी वोटिंग के ऊपर भी फर्क पड़ता है। ये इसके साथ साथ अन्य दलों ने भी इस बात के ऊपर चिंता जाहिर की और बिश्नोई महासभा ने भी इसको चिंता जाहिर की है कि उनका एक बड़ा कार्यक्रम 1 तारीख को राजस्थान के अंदर होता है, हमारा फतेहाबाद का और जो हिसार डिस्ट्रिक्ट का उसका बिश्नोई समाज वो उस मेले के अंदर जाता है और जिससे कहीं ना कहीं वोटिंग के ऊपर बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा चुनाव आयोग का कि उन्होंने इस बात को समझते हुए कि लोकतंत्र मजबूत हो और ज्यादा वोटिंग हो, और ज्यादा वोटिंग हो तो इससे लोकतंत्र की मजबूती से प्रदेश को भी लाभ मिलेगा, देश को भी लाभ मिलेगा। मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से उस चिट्ठी के ऊपर संज्ञान लेते हुए निर्णय दिया है कि अब 5 तारीख को 1 तारीख की बजाय 5 तारीख को अब वोटिंग हो रही है और 8 तारीख को रिजल्ट आएंगे, मैं आदरणीय चुनाव आयोग के इस फैसले का दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आम जन की भावना को समझते हुए, राजनीतिक दलों की भावना को समझते हुए निर्णय किया है।